मैं इडली बनाने जा रही हूँ। जो सामग्री थी वो इस तरीके से है। आधी कटोरी से ज़्यादा सूजी ली हुई है, छोटी आधी कटोरी दही का है, आधी चम्मच राई जो मुझे इसमें मिलानी है, स्वाद अनुसार नमक, और ये कड़ी पत्ते हैं। पहले हमने एक बार में सूजी को निकाल लिया। अब इसके अंदर हमको ये दही ऐड करना है। ये स्वाद अनुसार नमक डाल दीजिएगा। और इसमें देखिए फ्रेंड, जो मैंने आधी चम्मच राई को तेल में भुना हुआ है उसको हमने इसमें डाल दिया है। अच्छे से दही इसमें मिल गया है, जो हमने नमक राई डाला था। अब इसको हमें क्या करना है, 30 मिनट के लिए रख देना है। थोड़ा देख लीजिएगा, इसका बेस बहुत गाढ़ा भी नहीं होना चाहिए और बहुत पतला भी नहीं होना चाहिए। अब इसको 30 मिनट के लिए हम ढक कर रख देंगे। हमारा बेस बनकर रेडी हो गया है। हमने जो इडली के सांचे थे हमने उसको ऑयल लगाकर रख दिया है, जिससे हमारी इडली निकालने में इजीली हो जाती है। अगर आपके पास समय सांचे नहीं होते कई बार, तो हम इडली को कटोरी में भी बना सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड, सबसे पहले हमको क्या करना है, एक बड़े भगोने में थोड़ा हमने पानी डाल दिया है। ऐसे देखिए फ्रेंड, हमने कढ़ाई के अंदर भी थोड़ा पानी डाल दिया है। उसके अंदर हमारे पानी है जो हमें गर्म करने के लिए रख दिया है। गैस थोड़ी स्लो रखी है अभी, ताकि इसमें अच्छे से भाप बन जाए। इसी तरह से हमने कढ़ाई को ढक दिया है। एक चम्मच करीब हमने इसमें इनो लिया है, और इनो हमें तब डालना है जब हमारा टाइम पूरा रेडी हो गया, 30 मिनट हो गए हमें, तभी हमें ये इनो डालना है। इसको पहले से डाल के नहीं रखना है। ये देखिए, इसको एक साइड 2 मिनट के लिए चलाना है। इस बेस को हमें वेट नहीं कराना है, तुरंत हमें इन सांचों के अंदर डाल लेना है। ये देखिए देखिए फ्रेंड, हमने एक एक कड़ी पत्ता इसमें लगा दिया है। आप चाहें तो ये लगा सकती है। देखिए फ्रेंड, हमारा पानी अच्छे से गर्म हो गया है। अब हमने इस सांचे को इसके अंदर डाल दिया है, और प्लेट हमें अच्छे से ढकना है, ताकि हमारी जो पतीले के अंदर की भाप है वो इधर उधर से ना निकले। इसलिए आप देख लीजिएगा, थोड़ी भारी प्लेट होनी चाहिए, वेट अच्छा होना चाहिए प्लेट का। आप चाहें तो कटोरी में ये बना सकती हैं सारी। ये देखिए, इसके अंदर रख देंगे। और भाप का फ्रेंड्स सही तरीके से ध्यान रखिए कि भाप कहीं से निकलनी नहीं चाहिए। और हमको 15 से 20 मिनट के लिए इसको मीडियम गैस पे दोनों इडलियों को पकने देना है। हम इडली को चेक कर लेंगे। इडली तैयार है, हमने गैस बंद कर दी है। ऐसे जो कढ़ाई के अंदर हमारी इडली है उसको भी देख लेते हैं। ये देखिए, ये भी तैयार है, इसकी गैस भी हमने बंद कर दी है। अब इसको उनको बाहर निकालना है। ठंडा होने देंगे, 2 मिनट को निकाल लेते हैं, और उनको अलग अलग 2 मिनट के लिए ठंडा होने के लिए निकाल दिया। देखिए इडली ठंडी हो गई है, अब हम इसको निकाल लेंगे। आप चाहे तो बड़ी इजली से निकल जाती हैं। ये देखिए, देखिए इस तरीके से सारी इडली को हमने इडली सांचे में से निकाल लिया है। अब देखिए कटोरी को भी, मैं जो कटोरी में इडली बनाई थी वो भी मैं आपको निकाल कर दिखा देती हूँ। ये देखिए, पहले आप हल्का सा, ऐसे इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन कई बार ऐसा हो जाता है फ्रेंड कि निकालने में थोड़ा मुश्किल हो जाता है। थोड़ा सा आप इसको चाकू से चारों तरफ से हल्के से इसको घुमा देंगी, और फिर अपनी उंगलियों की सहायता से इडली को निकाल लेंगी। देखिए फ्रेंड्स, हमारी इडली तैयार है। ये हमने कटोरी के अंदर बनाई थी, उसका साइज़ इडली का बड़ा है, और ये साइज़ देखिए, हमने इडली सांचे में बनाई थी, उसका साइज़ ये थोड़ा छोटा है। तो आपका जो दिल करे उसमें ट्राई कीजिए। थैंक यू।